Written side by side. Today we are going to discuss about the very short questions from probability. So start this third question. A bag contain 8 red. Read out this third question. 8 red and x blue balls. The odd against drawing a blue ball are 2:5. Yesterday we discussed similar type of question that was in favor of. Now today this is against. Start this. Actually they are talking about blue balls. So what is the probability of blue ball from here? X upon 8 plus x, and that is odd against. And in case of odds against, what you will do? Odd against. Kya hoga odd against mein? फाइंड करो इसे जल्दी. सॉल्व दिस एंड गेट द आंसर. आंसर इज 20. Are you getting the same answer? Yes, Aditi, Arshin. Okay. Yes, ma'am. हो गया. Okay, X. You are getting as 20. Arshin, बताओ जरा कैसे की. एक बार explain करो. इन्होंने दूसरे way से किया. आप बताओ. Yes, ma'am. बोलो कौन अच्छे अंक है. अरमान. अरमान. हाँ बोलो अरमान कैसे की है. मैम थर्ड क्वेश्चन. हाँ जी. मैम ये आपने ऐसे का कल भी कराया था. हाँ हाँ बोलो कैसे किया आपने. मैम पहले इसकी क्या कहते हैं रेशियो जो है उस अगेंस्ट. मैम इसकी हम रेशियो लेंगे 5:5 यानी 1 क्योंकि मैम इसकी 5 मैम क्योंकि यहाँ पे लिखा ओड अगेंस्ट ड्राइंग. हाँ तो 5:7 x by 8 plus x. ये जो आपने ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी लिखी है ना x upon 8 plus x that is equal to 5/7 and let's cross multiply this you will get the x as 20. Okay, start next. A card is drawn from a well-shuffled pack of cards. What are the odds in favor of getting a spade? अब देखो ये क्वेश्चन जो है ये डिफरेंट है. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ये डिफरेंट है. हमने किया नहीं इस टाइप का क्वेश्चन. अब देखो स्पेड के कितने कार्ड होते हैं. स्पेड के कितने कार्ड होते हैं 13 और टोटल कार्ड होते हैं 52. तो फेवर में हो गए 13 और अगेंस्ट में हो गए 39. तो रेशो होगी 13:39. कटिंग करके आ गया 1:3. आपको क्लियर है ये बात. एक्चुअली स्पेड के फेवर में 13 कार्ड्स हैं और अगेंस्ट में जो रिमेनिंग है ना 52 - 13 वो 39 कार्ड्स हैं. तो रेशियो होगी 13:39 दैट इज 1:3. व्हाट आर ऑड्स अगेंस्ट गेटिंग अ स्पेड. अब अगेंस्ट की बात कर रहा है तो इसी रेशियो में से अगेंस्ट वाला लेना है आपने दैट इज 39. तो 39:13 आ जाएगा 3:1. फेवर है तो फर्स्ट वाला लेना है. अगेंस्ट है तो सेकेंड वाला लेना है. ठीक है. अपॉन में 52 आएगा. कटिंग करके 3:1 ही आ जाएगा. नेक्स्ट इज व्हाट आर ऑड्स इन फेवर ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड. हां जी छयांक बोलो. एक मिनट जरा. यस छयांक. मैम मैंने पूछना था कि ये अगेंस्ट वाला कैसे हुआ. देखो ना वैसे वैसे सिंपल अगर हम बात करें स्पेड की, स्पेड के फेवर की, तो 13/52 आएगा.
थर्टीन बाई 52 आएगा. एक मिनट रुको जरा, एक मिनट वेट. देखो इधर हम बात कर रहे हैं स्पेड के आर्ट्स की. स्पेड कितने होते हैं? 13. तो 13 ये हो गया फेवर, ये हो गया अगेंस्ट. ठीक है, वैसे रेशो में लिखना हो फेवर वाली, फेवर की रेशो क्या आएगी? फेवर की रेशो क्या आएगी? 13 बाय 52. और अगेंस्ट की बात कर रहे हैं तो अगेंस्ट की रेशो आएगी यहां से 13 रेशो. रेशो यही है लेकिन जो अगेंस्ट है वो पीछे वाला लेते हैं, तो 13 बाय 52 आएगा प्रोबेबिलिटी. लेकिन रेशो की बात कर रहे हैं सिर्फ स्पेड की, तो आप क्या करोगे? 13 रेशो इसी रेशो को रिवर्स कर दोगे. जब फेवर है तो फेवर आगे आएगा, जब अगेंस्ट की बात कर रहे हैं तो अगेंस्ट वाला आगे आ गया. अगर प्रोबेबिलिटी पूछे तो 39 बाय 52 है, प्रोबेबिलिटी पूछे तो फेवर की ये है अगेंस्ट की ये है, रेशो पूछे तो रेशो ऐसे लिखनी है. ठीक है, एक्चुअली जब आप इसकी प्रोबेबिलिटी देखोगे तो 39 बाय 52 ही आएगी, लेकिन हम जब रेशो की बात करेंगे तो रेशो में देना है आंसर, और प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो इस तरह से देना है आंसर. तो आपने, आपको दोनों ही चीजें क्लियर होनी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट देखो. What are odds in favor of face card? अब face card कितने होते हैं? 12. तो 52 minus 12 करेंगे 40 आ जाएगा. तो ratio बन जाएगी 12 ratio 40. 12 ratio 40. Cutting कर लेना 3 ratio 10 आ जाएगा. अब हम बात कर रहे हैं odds in favor of getting a red king. King कितने होते हैं? 4. उसमें से red कितने होते हैं? 2. तो 2 को छोड़ के when you leave 2 cards, how many are left? 50. तो 2 ratio 50, that is 1 ratio 25. इसका स्क्रीनशॉट लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपको बुक में नहीं ये क्वेश्चन मिलेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये कर लेना. क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट भी है, क्योंकि हमने ऑड्स इन फेवर वाले की रेशो को कन्वर्ट किया है. रेशो फाइंड फर्स्ट टाइम कर रहे हैं. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, इसको रिवाइज कर लेना. ठीक है, नेक्स्ट देखो. A die is thrown repeatedly until a 6 comes up. आप एक डाई को थ्रो करते जा रहे हो, जब तक 6 नहीं आता तब तक रुकना नहीं है. What is the sample space for that, this experiment? इसका मतलब ये है कि जब 6 आएगा तो A लिखेंगे, जब उसके अलावा 6 को छोड़ के except you are getting any other number, then you will write B. तो first time में अगर A आ गया, then you will stop here. आपने फर्स्ट टाइम थ्रो की, बी आ गया, बी मतलब 1 से लेके 5 तक कोई भी नंबर आ गया. सेकंड थ्रो में 6 आ गया, देन यू विल स्टॉप एंड यू विल राइट द एक्सपेरिमेंट इन दिस वे. ए बी ए बी बी ए ट्रिपल बी ए 4 times BA एंड द नेक्स्ट टाइम यू आर गेटिंग बी 5 times A एंड सो ऑन. द एक्सपेरिमेंट विल स्टॉप वेन एवर यू आर गेटिंग ए, देन यू विल स्टॉप देयर ओनली. गॉट इट? So these questions are important. Actually, these type of questions are not given in the extra book. So if you want to take the screenshot, and I can send you the link of this. This is exam. Guru student या guru exam कुछ इस तरह से करके साइट है, मैं आपको send कर देती हूँ. ये एक मिनट, wait. onlinecalculator.guru. Next is, why a tossing a coin considered a fair way? Because it will give you equally likely events, that means, and it is mutually exclusive events, that means, that is why this tossing a coin is considered a fair way of deciding which team should ball or bat first. Start this. A bag contains 5 red and some blue balls. If the probability of drawing a blue ball is double of the red ball, solve this, hurry up and find the blue balls.
आदित्य यू विल टेल मी द आंसर हरी अप सॉल्व दिस हिमानी गरिमा Those who are not attending the class, they will be marked absent for the whole day. Because whosoever will attend all the classes, that student will be marked present. Otherwise, rest will be marked absent for the whole day. Yes, what's the answer? Diksha, Imani, Garima. Yes, Aditya. मैम 10 मैम मेरा आंसर 10 आया ओके आंसर इज दिया ही हुआ है ठीक है स्टार्ट नेक्स्ट वन ए बॉक्स कंटेन 12 बॉल्स आउट ऑफ व्हिच एक्स आर ब्लैक वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ ब्लैक बॉल इफ सिक्स मोर बॉल्स आर एडेड इन द बॉक्स The probability of drawing a black ball is now double of what it was before. What is X? Answer is 3. Solve it and get the answer. Hurry up. Arshin, Chiang, Dhavnesh. Diksha, done? Rahul? Janvi, Tanushka? Ankita. Done. Yes, Dhavnesh. Ho gaya. Kya aa raha answer? Kya ho gaya? 3 aaya. Okay. Maybe ye book ka question hai, I think. Dekha dekha lag raha. Uska hi hai, Dekha ke NCERT. Test hai. Kaun hai? Do this one. 65% of the population have black eyes, 25% has brown eyes, and remaining have blue eyes. What is the probability that a person has blue eyes, brown or black, blue or black, neither blue nor brown eyes? Answers are given and get it. Solve these four parts. Hurry up. Means total outcomes here you will take as 100 because it is in percentage form. So total of all the person will be 100. So total outcome you will take as 100. Solve it. First one is easy. That is blue eyes. What will be the percentage for the blue eyes? 10%. Actually, the total of black and brown is 90. So out of 100, you will left with 10%. So remaining person has blue eyes with 10% population. Brown or black ka meaning hai, brown bhi add karni hai, black bhi add karni hai. Then you will subtract common and no one is common. So you will just add these numbers that will give you the second part. Clear? Blue or black means Population having blue eyes plus population having brown, black eyes will be added. No one will be common. So that will be the answer. Neither blue nor brown means na blue chahiye na brown chahiye. That means they want the population with black eyes.
So that is 65 upon 100. Hope you all have done this. Done? Ankita, Arman, Garima, Harshdeep, Jotsiru, Kushi, Kritika, Mishti. Done? Do this 10th question. What is the concept of leap year? Leap year has one more day in spite of that common year, that is called non-leap year. Non-leap year has 365 days and the leap year has 366 days. When you convert them into the weeks, after dividing it with 7, in case of leap year, you are left with 2 days extra. Means 52 weeks are complete and 2 days are extra. But in case of non-leap year, you will have 1 day extra. So if 2 days are extra in case of leap year, what will happen? Those 2 days can be Monday, Tuesday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, Thursday, Saturday, Sunday, Sunday, Monday. So aapko kya chahiye? 53 Sunday chahiye. Means jo do din hai, that can be arranged as Saturday, Sunday or Sunday, Monday. So the probability for having 53 Sundays is 2/7. क्योंकि 7 केसेस बनते हैं ना, अगर आप दो दो दिन का पेयर बनाते हो, सैटरडे संडे, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, तो 7 ऑप्शंस बनती हैं. तो संडे की ऑप्शन आएगी 2/7, और नॉन लीप ईयर में यू आर लेफ्ट विद 1 डे एंड दैट डे शुड बी संडे टू मेक 53 संडेज, सो दैट इज 1/7. डू दिस वन. 13th question. Hurry up. Do this 13th question. Five cards, 10, Jack, Queen, King and Ace are well shuffled with their faces downward. One card is then picked up. What is the probability that it is a Queen? Actually, we are talking about these five cards. We are not talking about the pack of cards. So out of these five cards, if you want the probability of Queen, Queen, we are having one card for the Queen. So probability is 1/5. If the Queen is drawn and put aside, means out of these five cards, if you have drawn out Queen, you are left with 4 cards. Now we want Ace from that. So out of those 4 remaining cards, Ace is occurring one time. So probability is 1/4. What is the probability of Queen? Actually, one Queen was there that is already taken out of these 5 cards. So that means no Queen is left out. So the probability will be 0. This similar type of question number 14, we have done yesterday also. Do this, hurry up. We are having 7 numbers here, so total outcomes is 7. So we want absolute value of x that should be less than 2. Absolute value of x means positive value of x that should be less than 2. Do it. पे कौन सा नहीं लेना आपने? -3 और 3 ही लेना, ठीक है? इज इट ओके? आपको 2 से लेस चाहिए तो 2 भी नहीं लेना. -3, -2, 2 और 3 ये नहीं लेना. 2 -2 नहीं लेना, 3 -3 नहीं लेना. दैट मींस वी आर लेफ्ट विद 3 ऑप्शंस, -1, 0 एंड 1. सो 3/7 इज द प्रोबेबिलिटी. गॉट इट? ये करो. क्वेश्चन नंबर 15, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक आल्सो. फॉर दिस यू विल ड्रॉ अ टेबल. दिस टाइप इज सेम, दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू द क्वेश्चन दैट वी हैव डन इन द बुक दैट टू फ्रेंड्स
have gone to the market from Tuesday to I think Saturday. उस टाइप का क्वेश्चन है. आप x की जगह वैल्यूज लिखोगे 1, 2, 3 हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में लिखोगे 1, 4, 9. Then you will form the table. Total outcome will be 3 × 3, 9. 3 × 3 is 9. Do it, hurry up. Harshdeep, Jot Sarup, I think you all are sleeping in the class. No response from your side. Khushi, Ravneet, Prabnoor, Prabgun. Yes, ma'am. Yes, Prabgun. Yes, ma'am. We want probability of product of XY that is less than 9. Form yes, form? Ma'am. आपने टेबल फॉर्म की है? मैम कर रही हूँ अभी, एक मिनट. मल्टीप्लाई करके मुझे टेबल फॉर्म करके बताओ क्या क्या आ रही है वैल्यूज. Yes. मैम हो गया ये वाला. बोलो मल्टीप्लाई करके क्या क्या आ रही है वैल्यूज. फर्स्ट रो में बोलो क्या आ रहा है. यस मैम. मैम जब हमने वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 9 वैल्यूज आ रही है टोटल. 1, 2, 3, 4, 8, 12, 9, 18 and 27. मैम हमें वैल्यूज लेस देन 9 चाहिए तो हम 1, 2, 3, 4 and 8 लेंगे, मतलब 5/9. ठीक है, वेरी गुड. इसमें से परफेक्ट स्क्वायर कितने आ रहे हैं अर्शीन? इसमें से परफेक्ट स्क्वायर कितने आ रहे हैं? मैम परफेक्ट स्क्वायर एक ही आ रहा है, 9. वन भी तो मैम 4 और 9 आ रहे हैं. मैम 1, 4 और 9. 1, 4 और 9. 1, 4 और 9. प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/9. 1/3. 3/9. 1/3. Yes, listen. Extra class है आज, जिनकी कल थी. हिमांशु, आदित्य, माधव एंड करणजोत. माधव इज देयर इन द क्लास? आदित्य क्लास अटेंड करनी है आपने, हिमांशु आपने भी. सेम टाइम पे क्लास है आपकी 12:20 पे. एक्स्ट्रा क्लास अटेंड करनी है आपने. हिमांशु कहाँ है? ठीक है, 12:20 पे क्लास है. हिमांशु आप करण ज्योत को इन्फॉर्म कर देना और माधव को भी. आफ्टर द क्लास यू प्लीज कॉल देम. उनको बोलना क्लास अटेंड करनी है. चलो डू दिस. क्वेश्चन नंबर 16. हरी अप, डू दिस क्वेश्चन. दिस इज एग्जैक्टली सेम एज द फिगर दैट इज गिवन इन योर बुक. कि आपके पास एक सर्कल है, उसमें एक स्क्वेयर है, स्क्वेयर के अंदर डाइस गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या है. सेम वे में क्वेश्चन है ये. करो जल्दी से सॉल्व. What is the probability that dart will land in the shaded area? Hurry up. Actually, when you throw the dart on the board, the dart will land in the interior of the circle, means कहीं पर भी आ सकता है. क्या probability है कि वो shaded area में आएगा? तो पहले तो आप shaded area का शेडेड पोर्शन का एरिया निकालोगे, दैट अपॉन टोटल सर्कल का एरिया. पहले शेडेड पोर्शन का एरिया निकालो. यू विल सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल फ्रॉम एरिया ऑफ द सर्कल. हरी अप. सो दिस इक्वेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड प्रोबेबिलिटी.
सॉल्व दिस, शेडेड पोर्शन का एरिया निकालो तो उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी। हरी अप, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। आफ्टर गेटिंग द एरिया यू विल फाइंड द प्रोबेबिलिटी। Area of rectangle is 48. Area of the circle you will find in pi. Then you will subtract them both. Yes, Khushi. Ma'am, pi mein answer 25 pi minus 48 by 25 pi. ठीक है, 25 pi is the area of the circle. Area of circle minus yes, ma'am. Area of rectangle upon area of circle. Solve this 17th question. What you will do, you will find the area of one sector, you will make four times of that, and from the square you will subtract those four sectors, you will get the area of this orange shaded portion. Okay, how you will find the probability that point will be chosen from the shaded region? एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ है, यस दवनेश, शेडेड रीजन ओवर टोटल रीजन। टोटल रीजन में क्या आएगा? स्क्वायर का एरिया। हाँ जी, लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ अ पॉइंट इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द स्क्वायर, नॉट यू हैव टू टेक कंप्लीट एरिया, यू हैव टू जस्ट टेक द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो इन टोटल यू विल हैव whole upon area of square, that is four side, that is side square. Actually the side is one, so area will be your side square, that is four. ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे रेडियस जो है एक सर्कल का वो फोर है, वन है, तो डायमीटर टोटल जो साइड हो जाएगी वो हो जाएगी टू, तो टू स्क्वेयर बन जाएगा फोर। ठीक है, इस वन सर्कल का रेडियस जो है वो वन है, तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या बन जाएगी? ए बी, दैट इज टू, तो टू का स्क्वायर बन जाएगा फोर। ठीक है, क्लियर है बच्चा? ठीक है, तो आपने क्या करना है, शेडेड पोर्शन का एरिया अपॉन एरिया ऑफ द स्क्वायर, दैट इज फोर। क्लियर? तो ये अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं इस साइड पे, तो मैं आपको कहूंगी एक बार आप ट्राई कर लो, देखो कितने एमसीक्यूज दिए हुए हैं, 20 दिए हुए हैं। ठीक है, बस हम 18 पे आ गए हैं, एक ये कर लो, तब तक आप ये करो, स्क्वायर गिवन है, साइड गिवन है उसकी, पी और क्यू मिड पॉइंट गिवन है, इफ अ पॉइंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द स्क्वायर, अब स्क्वायर की बात कर रहा है तो टोटल में स्क्वायर का एरिया आएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पॉइंट विल बी चोजन फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, तो पहले ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, होल अपॉन एरिया ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, अब ये मिड पॉइंट है, टोटल लेंथ है 6, तो ये कितना हो जाएगा 3, ये भी हो जाएगा 3। ठीक है, अगर ये 3 है QC और CP भी 3 है, तो आप QP फाइंड कर सकते हो, दैट इज द बेस ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है,
ट्रायंगल का एरिया इन्होंने निकाल, इन्होंने छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया निकाला है क्यूपीसी का, इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फिर इस ट्रायंगल का निकाला है, फिर तीन ट्रायंगल बन रहे हैं ना बाहर, एबीपी क्यूसीपी एडीक्यू, सबका एरिया निकाल के स्क्वायर में से तीनों को माइनस कर दिया, बीच वाले ट्रायंगल का एरिया आ गया। ठीक है, एनी डाउट?